एक गांव में नया नया एक मोमोज बेचने वाला आया। गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। अरे वाह, ये गांव अच्छा है मोमोज बेचने के लिए। यहाँ लोगों को मोमोज का पता भी नहीं है और यहाँ कोई और मोमोज बेचने वाला है भी नहीं। ऐसे में जब मैं अकेला होऊंगा मोमोज बेचने वाला तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और चाव से खाएंगे भी सब। खूब बिक्री होगी मेरी तो। मोमोज वाला अगले ही दिन अपना मोमोज का स्टॉल गली के नुक्कड़ पर लगाने लगता है। आओ आओ मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज, 10 रुपए प्लेट, आओ आओ। गांव वाले ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये मोमोज का होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? भैया पता नहीं का भला है मोमोज, चलो भैया 10 रुपया का बेच रहा है, चल के खाए के देखते हैं। रामू और किशन मोमोज वाले के पास मोमोज खाने जाते हैं। आओ आओ भैया, बताओ कितनी प्लेट खाओगे? भैया पहले एक ही प्लेट मोमोज दे दो, जरा खा के देखें कि क्या है। मोमोज वाला एक प्लेट मोमोज उन दोनों को दे देता है। किशन और रामू पहले मोमोज को देखते हैं फिर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, भैया और दे दो। ये लोग पेट भर कर मोमोज खाते हैं और गांव में सभी को बताते हैं मोमोज के बारे में। इस तरह उसका धंधा निकल पड़ता है। उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उसी गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वह बड़ा आलसी और लालची किस्म का था। एक दिन वह मोमोज खाने जाता है। उसने जब मोमोज वाले का काम देखा तो उसके मन में लालच आ गया। ये मोमोज वाले का काम तो बड़ा सही है, पूरा गांव इससे मोमोज खाता है। क्यों ना इसे मार के मैं इसका धंधा करने लग जाऊं, बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक रात हरिया भेष बदल कर मोमोज वाले के घर जाता है और सोते हुए उसे चाकू मार देता है। उसका मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन हरिया मोमोज बेचने खड़ा होता है। मोमोज खाओ, मन बहलाओ, आओ आओ मोमोज खाओ, आओ आओ मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज। अरे हरिया, तूने कब से ये काम शुरू कर दिया रे? वो मोमोज वाला कहाँ गया? अरे उसे नुकसान हो रहा था काम में, इसलिए वो मुझे रात को सारा सामान बेचकर शहर चला गया। अब उसे मैं ही बेचूंगा मोमोज। चलो फिर देरी कैसी, लगाओ मोमोज। वहीं दूसरी तरफ मोमोज वाला भूत बन जाता है। अरे ये कैसे हो गया, मेरा मोमोज का सामान कहाँ गया? तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे ये तो मैं हूँ, और मेरे पेट पे चाकू, मतलब मैं मर चुका हूँ। भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसे किसने मारा। जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी। बदला तो मैं लेके रहूंगा और सबक सिखाऊंगा। भूत अपने कातिल की तलाश में यहाँ वहाँ और गली गली पूरे गांव में भटकने लगता है। इधर हरिया लालच के चलते खराब सब्जी और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज बेचने लगा। ये तरीका सही है, आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा, पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा। खराब मोमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। एक दोपहर कुछ गांव वाले बात करते हैं। अरे भाई किशन, पहले वाला मोमोज दुकान वाला कितने अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज देता था, और कभी तबीयत भी खराब नहीं हुई। हाँ भैया, ये हरिया पता नहीं कैसे मोमोज देता है, आए दिन तबीयत खराब हो जाती है, पर मन नहीं मानता इसलिए खाने चले जाते हैं। इनकी बातें भूतिया मोमोज वाला सुन लेता है। अच्छा तो ये सब हरिया का काम है, मेरे बदले वही मोमोज बेच रहा है, मतलब कि उसी ने मेरा खून किया था। भूत गुस्से में आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सोचने लगता है। वहीं उसे इस बात का भी दुख होता है कि उसने स्वादिष्ट मोमोज बेचकर जो नया स्वाद लोगों को दिया था वो हरिया ने खराब कर दिया। लोग मोमोज के नाम से भी मना करने लग गए थे। हरिया यहाँ मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसके लिए तो हींग लगी ना फिट करी, रंग चोखा ही था। कमाई हो या ना हो, जो आए वही सही। भूत एक योजना बनाता है और हरिया के घर रात को जाता है। आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, भूत की आवाज सुनकर हरिया जग जाता है। कौन 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 है सामने? मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है, लालच और आलस के चलते तूने मुझे बेरहमी से मार दिया। मैंने तेरा चाबी डाला था, पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करने की। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। भूत डरावना रूप लेकर हरिया के शरीर के अंदर घुस जाता है। और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भूतिया
मोमोज वाला अपने ही स्वाद में मोमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर फ्री मोमोज का बोर्ड लगाता है और गांव वालों को फ्री में खिलाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए हैं। अरे हरिया, आज तो तूने पहले मोमोज वाले जैसे मोमोज बनाए हैं। ऐसे ही मोमोज बनाया कर, सब लोग भरपेट मोमोज खाते हैं। रात को भूत हरिया का शरीर छोड़ देता। जब हरिया अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे, और सुबह होते ही भूत हरिया पर कब्जा कर लेता और फ्री में गांव वालों को मोमोज खिलाता, वो भी बढ़िया। अरे भैया, आजकल तुम्हें हरिया के अंदर बदलाव नहीं नजर आ रहा? देखो पहले कैसे वो अकड़ में बोलता था और लड़ जाता था, दो दो पैसे के लिए लड़ जाता था, और अब देखो फ्री में मोमोज खिला रहा है। हाँ भैया, बदलाव तो है, इसका जो ये नया रूप है पुराने मोमोज वाले जैसा है। जैसे वो प्यार से तमीज से मोमोज बेचता था, वैसे ही अब ये देने लगा है। भैया कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि रोज रोज फ्री में मोमोज कोई नहीं खिलाएगा। हरिया शुरू से ही लालची किस्म का है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी इसकी। हाँ भैया, बात तो सही है, जरूर कुछ और ही बात है। जब भूतिया हरिया रात को घर जाने लगता है तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाते हैं। भूत जब हरिया का शरीर छोड़ता है तो गांव वाले देख लेते हैं। अब देख तू हरिया, कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ मैं। इन पैसों के लिए तूने ये सब किया था ना, अब ये पैसे मैं गांव वालों को फ्री मोमोज खिला के खत्म कर दूंगा। तब तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाऊंगा और तुझे सबके सामने सजा दूंगा। नहीं भूत भाई, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। हरिया हाथ जोड़कर भूत से माफी मांगने लगता है। ये सब गांव वाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं। अब तुम चिंता नहीं करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हाँ, हम जान चुके हैं कि इसने ही तुम्हें मारा है और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए। भाइयों मुझे माफ कर दो, इतने दिनों तक मैंने तुम सबको धोखे में रखा, पर क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे। वे सब हरिया को उसी समय पकड़कर गांव की पुलिस चौकी में ले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। भूतिया मोमोज वाले को मोक्ष मिल जाता है और वो शांति से भूत लोक चला जाता है।